हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 9th और 10th क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको कई दिन से जो है क्या करा रही हूँ, संधि, जो कि आपका 9th और 10th क्लास में लेसन 5 है, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि संधि किसे कहते हैं और संधि जो है कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद जो है मैंने स्वर संधि के आपको भेद बताए थे कि स्वर संधि के जो है बेटा 5 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं, कौन से पता है आपको? आपने नोट डाउन में किए थे, आपको अवश्य याद होंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि, सेकेंड वृद्धि संधि, थर्ड यंग संधि, और जो है फोर्थ कौन सी है आपकी पता है, गुण संधि, और जो है यानी के लास्ट अयादि संधि, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये 5 संधि है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, फर्स्ट जो है आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि, सेकेंड गुण संधि, साथ ही जो है आप इनको जो है याद कर सकते हैं, और आप इनको बिना किसी रुकावट के लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको कराऊंगी, क्या नंबर फोर्थ कौन सी है आपको याद है? नंबर फोर्थ पे जो संधि है आपकी वो है यण संधि। कौन सी है बेटा? यण संधि।
बनता है। तो यन संधि बेटा यदि ई ऊ और री वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि कोई अलग स्वर आ जाए, तो ई वर्ग ये में और ऊ वर्ग जो है वे में तथा री वर्ण जो है वो इसमें रे में बदल जाता है। यदि ऊ और री वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि कोई अलग स्वर आए, तो किसमें बदल जाता है? ई वर्ग ये में और ऊ वर्ग जो है वे में तथा री वर्ण जो है वो रे में बदल जाता है। जैसे भिन्न स्वर है आपके, मैं आपको बताऊंगी कि भिन्न स्वर जो है वे कौन से होते हैं। जैसे जैसे इसमें ई और ई, ये जो है आपके क्या हो गए, ये जो है बेटा आपके भिन्न स्वर हो गए हैं। जैसे इसमें आता है गति उत्तर, इसमें क्या बताया है आपको कि यह संधि में ई या ऊ, ई या Thank you.
अपने रब को भी ब्लू करेंगे पहले, उसके बाद जो है फेयर करेंगे साथ साथ। और इससे क्या होता है, रब में उतारने से और उसके बाद फेयर करने से आपके जो है याद हो जाता है बेटा। तो इसके जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे ई का एक उदाहरण है, व्यक्ति प्लस उत्तर, व्यक्ति पहले कौन सा स्वर आया था, ई का स्वर, ये में नहीं मिलेंगे आपको जो मैं बता रही हूँ, पहले तो यहाँ पर क्या आया था, टू की ध्वनि आई, तो हमने क्या
उदाहरण हैं। जैसे आपका आता है एक और उदाहरण इस पर, मनु प्लस अंतर। तो क्या हो गया? मन अंतर। तो इसमें प्रदेश। तो इस तरीके से जो है हमारे क्या हो गए, यानी
तो इस चैप्टर के लिए जो है आप ऐसे देखते रहिए साथ साथ। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है आपकी फिफ्थ नंबर पे कौन सी है, फिफ्थ नंबर पे कौन सी है आपकी, अयादि संधि, कौन सी है बेटा, अयादि संधि है। तो उसको जो है मैं आपको कल समझाऊंगी, जब तक आप इसको अच्छी तरीके से मन पटल पर अंकित कीजिएगा।